नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X6 Neo 5G versus Vivo Y58 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 Neo 5G में 6.34 इंच जबकि Y58 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X6 Neo 5G में 2.95 इंच जबकि Y58 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X6 Neo 5G में 0.3 इंच जबकि Y58 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X6 Neo 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 Neo 5G में 175 ग्राम जबकि Y58 5G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि X6 Neo 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X6 Neo 5G में AMOLED जबकि Y58 5G में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X6 Neo 5G में 6.67 इंचेस जबकि Y58 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 Neo 5G में 1080x2400px FHD+ और Y58 5G में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 Neo 5G में 88.95% जबकि Y58 5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 Neo 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y58 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 Neo 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y58 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 Neo 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y58 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 Neo 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y58 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X6 Neo 5G में Mali G57 MC2 जबकि Y58 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 Neo 5G में MediaTek Dimensity 6080 और Y58 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो X6 Neo 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Y58 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 Neo 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y58 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X6 Neo 5G में Android V13 जबकि Y58 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी X6 Neo 5G में 5000 mAh जबकि Y58 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X6 Neo 5G में 3 कलर्स जबकि Y58 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X6 Neo 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिलता है, और बात करें Y58 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,499 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको X6 Neo 5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y58 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X6 Neo 5G आगे है, मेन कैमरा में X6 Neo 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y58 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Techno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।